क्या करते हैं, एक इंच कंधी को डाउन कर देते हैं, बहुत से लोग सवा एक इंच डाउन कर देते हैं, बहुत से लोग पौने दो इंच डाउन कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स सही तरीका क्या होता है कंधी डाउन करने का? एवरीवन वेलकम माय यूट्यूब चैनल एलटी फैशन डिजाइनर। फ्रेंड्स एक और नए वीडियो में हम आपके सामने पेश हो गए हैं एक और नई जानकारी लेकर। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है और यहाँ पर इमेज भी लगाकर हम दिखा देते हैं कि जैसे आपके आर्वोल में इस तरह से सिलवट आती है या झोल आता है तो ये किस वजह से आता है और इसको हम किस तरह से दूर करेंगे। तो आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से किसी ने नहीं समझाया होगा कि ये प्रॉब्लम हमारी किस वजह से आती है और किस तरह से हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस आपको समझाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और आपकी कभी भी शर्ट में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम आपको शर्ट के फ्रंट पार्ट को कट करना बताएंगे, इसमें ही हमारी ये प्रॉब्लम आती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इस तरह से हमने ये फैब्रिक ले लिया है, फैब्रिक को हमने इस तरह से उल्टा फोल्ड करके बिछा लिया है। इस पर हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करके आपको बताएंगे, इसमें हम आपको फुल शर्ट की कटिंग करना नहीं बता रहे हैं, सिर्फ हमारी ये प्रॉब्लम जो आती है उसको हम दूर करेंगे। तो इस पर हम मार्किंग करते हैं। तो इस शर्ट का हमने मेजरमेंट ले लिया है, मेजरमेंट कुछ इस प्रकार से है, 27 इंच इसकी लंबाई है, 17 इंच शोल्डर है, 36 इंच इसका चेस्ट है, 35.5 इंच इसका पेट है, 24.5 इंच बाजू की लंबाई है और 14.5 इंच इसका कॉलर है। आपका जितना भी मेजरमेंट है आप उस हिसाब से मेजरमेंट को लेंगे। तो सबसे पहले तो हम फैशन पट्टी का मार्क करेंगे, तो हम यहाँ से रखेंगे और फैशन पट्टी के लिए हम यहाँ से मार्क कर लेते हैं। यदि फ्रेंड्स आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपकी शर्ट में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये हमारा वादा है। इस तरह से एक ऊपर से मार्क करेंगे, लंबाई का निशान लगाएंगे, लंबाई है 27 इंच। यहां से बॉटम फोल्ड करने के लिए मार्जिन रखेंगे, शोल्डर का मार्क करेंगे, शोल्डर है 17 इंच, 17 इंच का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 8.5 इंच, 8.5 इंच प्लस 1/2 इंच का मार्जिन इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारा हो गया 9 इंच, 9 इंच इस तरह से मार्क करेंगे। यहाँ पर हले का मार्क करेंगे, गले का, तो गले का जो मार्क है वो सीने का 12वां हिस्सा करके किया जाता है, तो यहाँ से 2.5 इंच पर मार्क किया है, यहाँ से हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब बात आती है हमारे आर्मोल की मार्किंग करने की, यहीं पर हमारी जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आर्मोल का मार्क हम किस तरह से करते हैं, क्या तरीका होता है? इसका जो चेस्ट है वो है 36 इंच है, यानी 36 इंच। तो आर्मोल का जो मार्क है वो हमारे चेस्ट के हिसाब से ही लगाया जाता है, तो जितना भी आपका चेस्ट है उसका 1/4 करेंगे। तो इसका जो चेस्ट है वो 36 इंच है, 36 को 1/4 भाग में हम डिवाइड करेंगे तो हमारा हुआ 9 इंच। तो जैसे आपको आर्मोल का जो मार्क है वो फिटिंग में रखना है तो आप 1/2 इंच से लेके 1/4 इंच तक आप आर्मोल को कम काटेंगे, और जैसे आपको एकदम टाइट फिटिंग में रखना है तो आप 1 इंच भी माइनस करके मार्क कर सकते हैं, लेकिन आप एकदम टाइट करके मार्क ना करें। जैसे आपका कपड़ा स्ट्रेचेबल है तब तो आप कर सकते हैं, और जैसे कॉटन कपड़ा है तो आप 1/4 इंच तक ही माइनस करें। तो इसमें जो है हम थोड़ा सा फिटिंग में रखेंगे, यानी हल्का नॉर्मली फिटिंग रखेंगे, तो ये हमारा जो निकल कर आया है वो 9 इंच निकल कर आया है, तो इसमें हम सिर्फ 2 सूत माइनस करके यहाँ पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमने मार्क किया है 9.25 इंच पर। अब दोस्तों इसकी हम कंधी के बारे में समझ लेते हैं कि कंधी हमें इस शर्ट की कितनी डाउन करनी चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, 1 इंच कंधी को डाउन कर देते हैं, बहुत से लोग 1.25 इंच डाउन कर देते हैं, बहुत से लोग 1.25 इंच डाउन कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स सही तरीका क्या होता है कंधी डाउन करने का? जैसे आप किसी बच्चे की शर्ट कटिंग कर रहे हैं तो उसमें आप 1 इंच से लेकर 1.25 इंच कंधी को डाउन कर रहेंगे, और जैसे आप किसी बड़े शख्स की शर्ट की कटिंग कर रहे हैं तो उसमें आप क्या करेंगे, यहां से 1.5 इंच पर कंधी को डाउन करेंगे। और जैसे किसी के शोल्डर डाउन है, एकदम गिरे हुए होते हैं, तो उसमें हम 1.25 इंच, 2 इंच तक हम कंधी को डाउन कर लेते हैं। फिर उसमें जो हमारा आर्मोल है वो थोड़ा सा अलग तरीका हो जाता है आर्मोल का मार्क करने का। तो जैसे आपकी नॉर्मली शर्ट आप कटिंग कर रहे हैं तो आप 1.5 इंच कंधी को डाउन करेंगे तो आपकी कंधी कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं जैसे हमारी यहाँ पर जो है सिलवट आती है तो ये किस वजह से आती है। तो यहाँ पर ऐसा होता है कई बार जो लोग होते हैं
वो साइड की कटिंग करते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, पौन इंच पर यहाँ मार्क कर देते हैं, बहुत से लोग हाफ इंच पर मार्क करते हैं, बहुत से लोग एक इंच पर मार्क कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पर जो मार्जिन है जितना हमें लेना चाहिए उतना मार्जिन हम नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मार्जिन है यहाँ पर बचा रहता है, जिस वजह से हमारी यहाँ पर सिलवट होने लगती है। दोस्तों आपने अक्सर ये देखा होगा कि जो यहाँ वाला हिस्सा होता है हमारे आर्मोल का, इस वाली जगह हमारा जो है हिस्सा थोड़ा सा खालीपन सा होता है, तो इस वजह से यहाँ पर हमें राउंड देना बहुत जरूरी होता है, जिससे हमारी जो यहाँ पर जो है कपड़ा जितना हमें माइनस करना होता है उतना हमारा माइनस हो जाता है, जिस वजह से हमारी ये सिलवट हट जाती है। तो यहाँ पर जब हम मार्क करेंगे तो जैसे आपने यहाँ पर डेढ़ इंच कंधी को डाउन किया है तो आप यहाँ से डेढ़ इंच अंदर की तरफ ले लेंगे। हम फिटिंग में चाहिए यहाँ पर कोई सिलवट नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर जितना मार्क आपने यहाँ पर किया हुआ था उतना ही मार्क आप यहाँ पर करेंगे, तो आपके आर्मोल में कोई भी सिलवट नहीं आएगी, कोई भी मार्जिन यहाँ पर नहीं बचा रहेगा, ना ही यहाँ पर कोई सिलवट सी महसूस होगी, तो ये जो पार्ट है एकदम अच्छी तरीके से हमारा बैठ जाएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं यहाँ पर जो मार्जिन होता है उतना नहीं लेते हैं, जिस वजह से हमारे यहाँ सिलवट सी बनने लगती है, तो आप इस हिसाब से मार्किंग करेंगे तो आपके फ्रंट पार्ट में सिलवट नहीं आएगी। और इसके बाद यहाँ पर इस तरह से हम इसको रखेंगे और यहाँ से इस तरह से शेप देंगे। पहला तो काम ये आपको यहाँ इस तरह से करना है और कंधी को आपको इस तरह से डाउन करना है। अब इसके चेस्ट का निशान लगाएंगे तो चेस्ट है इसका 36 इंच, इसका फोर्थ मार्क करेंगे तो हमारा हुआ 9 इंच प्लस 2 इंच की हम इसमें लूजिंग ऐड करेंगे। ये लूज शर्ट की कटिंग कर रहे हैं तो इस तरह से 11 इंच पर मार्क करेंगे, 11 इंच पर, तो यहां से भी हम 11 इंच पर मार्क करेंगे और इसमें हम यहां पर इस तरह से शेप दे देंगे। अब जो आर्मोल में हम निशान करेंगे, आर्मोल में शेप देंगे तो हम क्या करेंगे यहां से मार्क करेंगे और यहां से 1.25 इंच पर एक मार्क करेंगे और यहां से अच्छी तरीके से इसमें हम शेप दे देंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको मार्किंग करनी है। आई होप कि जिस तरह से हमने आपको बताया है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपके मन में कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द दे सकें। दोस्तों इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बैक पार्ट में हमारा फुलाव क्यों आता है, यानी फुका सा बनने लगता है, तो वो किस वजह से बनने लगता है, तो उसको उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।